नमस्कार, मैं हूं नितिन भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज जारी है, जिसमें से दो मुकाबले भारतीय टीम ने जीत लिए हैं और तीसरा मुकाबला भी भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी अगर ऐसे ही खेलती रही वो जिम्बाब्वे के खिलाफ। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों ही मुकाबलों में एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया गया जिसको काफी लंबे समय से टीम में मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन पहले मुकाबले में तो उसकी बल्लेबाजी आई नहीं, लेकिन दूसरे मुकाबले में जब उनकी बल्लेबाजी आई उन्होंने कुछ भी नहीं करके दिखाया और वो सस्ते में आउट होकर चले गए, जिसके ऊपर अब सवाल उनके ऊपर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, कौन है वो खिलाड़ी, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और आपको बताएंगे कि कौन वो खिलाड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज में ईशान किशन को शुरुआती दोनों मुकाबलों में मौका मिला। पहले मुकाबले में तो उनकी बल्लेबाजी आई नहीं क्योंकि शिखर धवन और शुभमन गिल इन दोनों ने ही मुकाबला जिता दिया। दूसरे मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी आई लेकिन ईशान किशन उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। और ऐसा मानना है पूर्व भारतीय खिलाड़ी आरपी सिंह का भी कि ईशान किशन को जितनी भी मौके मिल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अब उनको हर मुकाबले में रन बनाकर दिखाने होंगे क्योंकि ईशान किशन की अब जगह जो है वो फिक्स नहीं है। क्योंकि एक समय था जब ईशान किशन लगातार भारतीय टीम की तरफ से टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे थे, जब रोहित नहीं थे तब राहुल और ईशान किशन ओपनिंग कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे आलम हो गए ईशान किशन के लिए कि ईशान किशन की प्लेइंग 11 में ही जगह नहीं बन रही है। इससे पहले जिम्बाब्वे दौरे से पहले ईशान किशन वेस्ट इंडीज दौरे पर भी थे लेकिन वहां पर उनको बिल्कुल नहीं खिलाया गया। उससे पहले ईशान किशन इंग्लैंड दौरे की टीम में भी शामिल थे लेकिन इंग्लैंड में भी ईशान किशन को नहीं खिलाया गया। तो ऐसे में ये साफ है कि ईशान किशन से परे भारतीय टीम देख रही है। एशिया कप की टीम में भी ईशान किशन का नाम नहीं है, यहाँ तक कि बैकअप खिलाड़ियों में भी ईशान किशन का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन के ऊपर खतरे की तलवार जो है वो लगातार मंडरा रही है। और ऐसे में ईशान किशन को जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना होगा। वहीं अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो ईशान किशन ने सिर्फ 6 रन बनाए जबकि टारगेट भी बहुत कम था। आप 162 रनों का टारगेट जो थे वो चेस कर रहे थे, 82 पे लगभग 3 विकेट जा चुके थे जब आप बल्लेबाजी करने आए थे। तो कहीं ना कहीं आप समय ले सकते थे, ओवर्स बहुत ज़्यादा थे, टारगेट बहुत बड़ा नहीं था। और ऐसे में एक मैच विनिंग नॉक जो कि संजू सैमसंग ने खेली वो आप खेल सकते थे लेकिन ईशान किशन ने वो नॉक नहीं खेली और सिर्फ 13 गेंदें खेलकर 6 रन बनाकर ईशान किशन वापस पवेलियन लौट गए। और आरपी सिंह का भी यही कहना है कि अब ईशान किशन को मैच दर मैच इंप्रूव करना होगा अगर उन्हें इंडियन टीम में लगातार खेलना है, तो इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की करनी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर हमें बताएं और अपनी राय जरूर रखें ईशान किशन के ऊपर। साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर अपना प्यार हमें भेजना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।